और दोस्तों क्या हालचाल है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू रीसेट ऑल फोन सेटिंग्स, यानी कि इस डिवाइस में केवल सिस्टम सेटिंग्स रीसेट कैसे करें। दोस्तों सबसे पहले आपको फ़ोन के सेटिंग्स में जाना होगा। फोन सेटिंग्स ओपन करने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे नीचे आइए, नेक्स्ट ऐप्स पर क्लिक करना है। इसके बाद मैनेज ऐप्स, मैनेज ऐप सेटिंग्स को ओपन करते ही आपके सामने सभी इंस्टॉल किया हुआ एप्लीकेशन का लिस्ट चले आएगा। अब ऊपर में ये जो सर्च बार दिख रहा है इस पर टैप करके फाइंड करना है सेटिंग्स। अब सेटिंग्स एप्लीकेशन ओपन करिए। सिस्टम सेटिंग्स का ऑल डेटा क्लियर करने से केवल फ़ोन सेटिंग्स रीसेट हो जाएगा, मगर हमारे फ़ोन से कोई भी डेटा फॉर्मेट नहीं होगा। अब क्लियर डेटा पर टैप करके सेटिंग्स का ऑल डेटा क्लियर कर दीजिए। इसके बाद सभी फ़ोन सेटिंग्स डिफॉल्ट सेटिंग्स पर सेट हो जाएंगे। दोस्तों अगर इस प्रोसेस को प्रयोग करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप सेकेंड स्टेप फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप में दोबारा फ़ोन सेटिंग्स ओपन करके सर्च करना है फैक्ट्री, फिर आपके सामने फैक्ट्री रीसेट करने का इंस्ट्रक्शन आएगा, इस पर टैप करेंगे। फैक्ट्री रीसेट के अंदर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। फैक्ट्री रीसेट करने से आपके फ़ोन में जितने सारे अकाउंट, कॉन्टैक्ट, फोटो, वीडियो, ऐप्स एट्सेट्रा सब कुछ डिलीट हो जाएगा और आपका फ़ोन डिफॉल्ट सेटिंग्स में सेट हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और हो सके तो सभी इंपॉर्टेंट फाइल बैकअप लेके दूसरा फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लेना, क्योंकि आपका फ़ोन टोटली फॉर्मेट हो जाएगा। अगर आप फैक्ट्री रीसेट के लिए इंटरेस्टेड हो तो इरेज ऑल डेटा पर क्लिक करिए। फ़ोन फॉर्मेट करने से पहले लॉक स्क्रीन का पासवर्ड एंटर करना होता है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा बैकअप आइटम फास्ट। अगर आपने इस फ़ोन पर कुछ बैकअप लेके रखे हैं तो उस डेटा को दूसरे किसी डिवाइस में ट्रांसफ़र कर लीजिए, नहीं तो सारे डेटा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट्री रीसेट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सूचित किया जाएगा कि आपका फ़ोन फॉर्मेट होने जा रहा है। यह 10 सेकंड का टाइमर ख़त्म होते ही नेक्स्ट दबाना है। आपसे दोबारा पूछा जाएगा कि आपने सभी डेटा का बैकअप लिया है। इसके बाद 10 सेकंड का टाइमर ख़त्म होते ही ओके काट देना, फिर आपका डिवाइस रीसेट होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना फ़ोन और फोन सेटिंग्स को रीसेट कर सकते हैं। उम्मीद करते हो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।